जय जिनेन, मैं दीप्ति मेहता उदयपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल दीप्ति मेहता पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मुझे मेरी पास वाली आंटी ने ढेर सारे आंवले दिए हैं, तो चलिए आज हम आंवले से ही कुछ नया ट्राई करते हैं। आंवले की मैंने आपके साथ पहले आंवला कैंडी की रेसिपी शेयर की है, तो चलिए आज वही कैंडी हम एक नए फॉर्म में बनाते हैं, आंवला चिप्स। तो सबसे पहले मैंने आंवले को अच्छे से धो लिया है और सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब स्लाइसर की मदद से इस तरह से हम उसके पतले पतले चिप्स निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस दोनों साइड से हमें मैक्सिमम साइज के जितने हमें मिल सके उतने चिप्स निकाल लेने हैं और गुठली वाले पोर्शन को इस तरह से अलग प्लेट में रख लेना है। अब एक और बड़ा बॉल लेना है और उसके अंदर सबसे पहले नीचे 2 से 3 बड़े चम्मच हमें शक्कर डालनी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगेंगे, केवल आंवले चाहिए और चीनी चाहिए। बस अब हम एक एक लेयर उसके ऊपर लगाते जाएंगे। एक लेयर हमने चीनी की डाली, फिर उसके ऊपर आंवले की बना ली, वापस से पूरा कवर करते हुए। अब हम थोड़ी थोड़ी चीनी उससे ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, सब तरफ थोड़ी थोड़ी चीनी आ जाए। और साथ ही में उसके ऊपर फिर से एक लेयर आंवले की लगा दी। जितने आंवले हमारे पास चिप्स हमने बनाकर तैयार की है, बस सभी को इस तरह से अरेंज करते जाएंगे और ऊपर सरफेस पे एक बार फिर से एक लेयर आंवले की और उसके ऊपर फिर से एक लेयर हम शुगर की लगाते जाएंगे। बस हमारे आंवले लगभग बन गए हैं। इसमें हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ये पेशेंस के साथ हमें बनाना है, क्योंकि इसे हमें धूप में सुखाना है। लगभग 2-3 दिन तक ये हमारे आंवले गल के बनेंगे और उसके बाद हम इसको सन ड्राई करके अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये आंवले ख़राब नहीं होते हैं और अगर तेज़ धूप में हम इन्हें सुखा कर बनाएंगे तो इनका कलर भी बिल्कुल वाइट रहेगा। आप हैरान रहेंगे कि हमारे आंवले की चिप्स कितनी अच्छी और वाइट और बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हमने हमारे काम कर लिया है। लास्ट लेयर अब हम इसके ऊपर चीनी की और उसके ऊपर फिर से हम आंवले की लगा लेते हैं। हो गया, बस अब हम इसे ढककर कुछ दिनों के लिए धूप में रख देंगे। पहले दिन कुछ इस तरह के हमारे आंवले हो जाएंगे। 1-2 दिन में ये इस तरह से पूरे अंदर तक इसके अंदर पानी हो जाएगा। जो शक्कर है हमारी पूरी मेल्ट हो गई है और आंवले पूरी तरह से उसको चूस गए हैं, पानी नीचे नहीं बचा है। अब उन्हें हम प्लास्टिक पे सन ड्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम उसे पलट भी लेंगे। देखिए कितने अच्छे वाइट हमारे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। तो है ना इजी रेसिपी, प्लीज़ ट्राई कीजिए।